खबर जबलपुर से है, जहां भाजपा तिलक मंडल के कार्यकर्ताओं ने सिंधी कैंप पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। तिलक मंडल के मंडल अध्यक्ष ने बताया है कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर भारत देश के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं और देश को तोड़ने वाला काम करते हैं, जिससे देश के लोगों को दिल में ठेस पहुँचती है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसे बयानबाजी की निंदा की है और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इस तरह का कहा। राहुल गांधी जी का हम लोग ने पुतला फूंका है, क्योंकि उनने विदेश में जाकर जिस प्रकार से अपने देश का अपमान किया है, वहां बैठकर उन्होंने बयान दिया है कि ये देश पाकिस्तान और श्रीलंका बनने जा रहा है। हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि हमें अपने देश की न्यायिक व्यवस्था पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने बोला है, जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ बोला है, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी तिलक मंडल की ओर से उनका पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है कि वो देश से माफ़ी मांगे इस बयान के लिए।